आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक्स हर जगह पर नहीं मिलेंगी, ठीक है? इतनी बेहतरीन ट्रिक्स हर जगह पर नहीं मिलेंगी, बहुत मेहनत करने के बाद में हम लेके आए हैं इनको, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी की कक्षा के अंतर्गत आज नया टॉपिक लेके आए हैं, विलोम शब्द। अधिकांश जो परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी नामक टॉपिक आता है, उन सभी में विलोम शब्द से दो चार प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आइए देखते हैं कुछ विशेष नियम जो विलोम शब्द में पहचानने में आपकी सहायता करेंगे। शब्द तो इतने हैं कि पूरा भंडार है, ठीक है? उनको पूरी तरह से याद नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ नियमों के माध्यम से आप उनकी पहचान कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं कि कौन सा शब्द किस शब्द का विलोम है, ठीक है, या किस शब्द का पर्याय है, पर्यायवाची है, समानार्थी है। तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? उल्टा, यानी विपरीत अर्थ देने वाला शब्द, ठीक है? तो हम नियमों को देखते हैं। पहला नियम हमारा क्या है? हमारा पहला नियम है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग से, यानी उपसर्ग सर्ग लगाने पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ उपसर्ग मैं बता दूंगा और कुछ उपसर्ग आप देख लेना, उपसर्ग के साथ ही प्रत्यय भी, उपसर्ग या प्रत्यय, ठीक है, या प्रत्यय। ठीक है, लगाने पर अपना विशेष अर्थ या उल्टा अर्थ प्रकट कर देते हैं। तो हमारा पहला जो उपसर्ग है वो क्या है? पहला है अ। उपसर्ग लगाने पर, उपसर्ग लगाने पर आप देखेंगे कि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आ लगा दिया जाए शुरुआत में तो उनका अर्थ बदल जाता है। तो जैसे क्या है? अज्ञान, ठीक है, ज्ञान और अज्ञान। ठीक है, दूसरा अगर हम लें तो हमारा दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हमारा जैसे सत्य ले लिया जाए, सत्य सत्य, तो सत्य क्या बनेगा? इसमें अ लगा दिया जाए, अ, ठीक है, तो ये क्या बन गया? असत्य। धर्म, धर्म का विपरीत या विलोम शब्द क्या होगा? अधर्म, अधर्म, ठीक है। इस प्रकार से हम अ उपसर्ग लगाने पर देखते हैं कि हमारा जो अर्थ है पूरी तरह से बदल जाता है, ठीक है। और भी देखें इसी में, सहज, सहज में लगा दिया जाए अ, सहज तो असहज बन जाता है, ठीक है। अगला जैसे हम देखें तो अगला क्या है हमारा? अगला है जैसे न्याय, न्याय, न्याय में लगा दिया जाए अ उपसर्ग, अ, वो क्या बन जाएगा? अन्याय, ठीक है। आप इनको देख सकते हैं, तो हमारा पहला बन गया। अगला हम देखें दूसरा है हमारा अब, अब, अब के साथ में क्या बनता है? जैसे गुण, और गुण में अब लगा दिया जाए अब,
ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, अवगुण। ठीक है, इसी प्रकार से एक और हम शब्द जैसे देखें, मानना, मानना, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, मानना, अवमानना। ठीक है, अगला हमारा शब्द है तीसरा नंबर, अप, अप या उप या प्रति, मतलब हम इनको क्या है कि किसी मूल शब्द के साथ में लगा लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं, तो या इनको दूसरे के साथ में बदल भी सकते हैं, जैसे अप का उप के साथ में या प्रति के साथ में। जैसे कार के साथ में हम लगाएंगे अप, ठीक है, तो अप जब कार लगा दिया तो क्या बनेगा, उपकार। ठीक है, तो ये उपकार बन गया, उपकार, और इसी का विलोम क्या बनेगा फिर, अपकार, प्रतिकार, उत्कर्ष, उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष का क्या बनेगा, प्रति लगा दिया जाए तो प्रतिकर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा अगला शब्द, हमारा अगला शब्द है निर, निर, ठीक है, निर जैसे लगा दिया जाए हमारा किसी भी शब्द के साथ में, जैसे आकार के साथ में लगा दिया जाए आकार, ठीक है, और निर लग गया आकार के साथ में तो क्या बन गया, निराकार, निराकार। जीव के साथ में लगा दिया जाए जीव, जीव के साथ में लग के क्या बन जाएगा, निर्जीव, निर्जीव, ठीक है, निर्जीव यानी निर धन जीव, तो क्या बन गया ये, निर्जीव। ठीक है, और भी जैसे देखें, सार्थक, सार्थक, सार्थक के साथ में निर लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, निरर्थक। ठीक है, अगला हम शब्द देखते हैं, पांचवा नंबर है हमारा, तो पांचवें नंबर के शब्द को अगर हम देखें तो वो क्या होगा, वो होगा जैसे वी ले लेते हैं, वी, वी उपसर्ग, ठीक है, वी लगा दें तो क्या बनेगा, जैसे संयोग वियोग, ठीक है, योग के साथ में, योग मतलब जोड़ना या मिलना, योग का वी लगा दिया तो वियोग। ठीक है, वी उपसर्ग लगाने पर क्या बन गया, वियोग। ठीक है, इसी प्रकार से संपत्ति, संपत्ति वी के साथ में क्या क्या लगाया जा सकता है, जैसे सम, सम इसका विपरीत में लगाया जा सकता है। ठीक है, और भी शब्द होते हैं, मतलब एक दूसरे को इन उपसर्गों के साथ में अदला बदली की जा सकती है और उनका अर्थ परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, संपत्ति, संपत्ति का क्या बन जाएगा, विपत्ति, विपत्ति। ठीक है, एक और लें, जैसे रत, रत मतलब किसी काम में लगे रहना, और रत के साथ में वी लगा दिया जाए, वी जोड़ देते हैं जैसे वी, तो ये क्या बन जाएगा, विरत। ठीक है, इसका अर्थ क्या बन जाता है, मतलब उसे उस कार्य को न करना, मतलब विरति, इस प्रकार से। ठीक है, राग, राग के साथ में जोड़ दिया जाए वी, तो क्या बन जाएगा, वी राग। ठीक है, अगला हमारा शब्द है अन या अनु, अन या अनु, जैसे
उचित लिया जाए, उचित, ठीक है, उचित में क्या बनेगा, अनु लगा दिया जाए, या अनु लगा दिया जाए तो अनु अनुचित, ठीक है। आगे अगला शब्द जैसे हम लें तो वो क्या होगा, अगला शब्द होगा हमारा जैसे आदि ले लिया जाए, आदि आदि, तो आदि में अन जोड़ दिया जाए, अनादि, ठीक है, ये हमारा अगला शब्द बन गया, ठीक है। और भी लेना चाहे जैसे जानकार, जानकार क्या बनेगा इसका, अनजान, अनजान, ठीक है। तो इस प्रकार से अन से भी हम परिवर्तन कर देते हैं। अगला है जैसे क लगाकर या कु लगाकर, अथवा अथवा स लगाकर या सु लगाकर, ठीक है, लगाकर, ठीक है। तो इनको देखते हैं, जैसे कर्म में, कर्म कर्म नामक जो शब्द है हमारा, उसमें कु जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, कुकर्म, ठीक है। और सुजोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, सुकर्म, ठीक है। इनसे इनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। और भी देखें, जैसे पुत्र या पूत, पूत, तो पुत्र, पुत्र में कु जोड़ दिया जाए, पुत्र, ठीक है, तो ये क्या बन गया, कुपुत्र। और सुजोड़ दिया जाए सु, तो क्या बन जाएगा, सुपुत्र, ठीक है। ऐसी पात्र, पात्र, ठीक है, पात्र में भी, और कुपात्र और सुपात्र, ठीक है। पूत रह गया हमारा, पूत में क जोड़ देने पर कपूत, तो इसका क्या बनेगा, सपूत, ठीक है, कपूत और सपूत। आगे चलते हैं, अब ये तो आपने देख लिए उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर। अगला हमारा नियम, इसको भी मिटाते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय तो और भी अधिक होते हैं, तो उनके आधार पर हम देख सकते हैं। ये थोड़े से हमने उदाहरण लिए थे इनके, उनको भी आप देखते रहना। अगला हम लेते हैं लिंग परिवर्तन के आधार पर, दूसरा नंबर है हमारा लिंग परिवर्तित करके। क्या है, जैसे पुरुष, पुरुष पुरुष का क्या बनेगा, महिला, महिला, और घोड़ा, घोड़ा का क्या बनेगा, घोड़ी, शेर, शेरनी, ठीक है। इस प्रकार से इनका हम लिंग परिवर्तन करके भी विलोम शब्द बना लेते हैं। अब इनको क्या है कि प्रत्येक विलोम शब्द को, जैसे हम इसको आगे लिख रहे हैं, अगर हम इसको, ये इसका विलोम है, शेर शेरनी का विलोम है, तो शेरनी शेर का विलोम है, अगला हमारा नियम है तीसरा मुख्य, ये मैं मुख्य मुख्य नियम कराए दे रहा हूं, ठीक है। उनसे क्या है कि आप इनको देख लेना, याद कर लेना थोड़ा नियम को, ठीक है। उससे क्या है कि आप धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इनको पहचानने लग जाएंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। कठिन से कठिन शब्द भी आप आसानी से हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला है हमारा
कोई भी मूल शब्द हो, कोई भी मूल शब्द यदि संज्ञा में है, संज्ञा का है, संज्ञा का है, संज्ञा का है, तो उसका जो विलोम होगा वो भी संज्ञा का ही होगा, संज्ञा संज्ञा का ही होगा, संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा। और जैसे क्रिया है, क्रिया क्रिया का विलोम क्रिया ही होगा, क्रिया ही होगा। इसी प्रकार से तद्भव का विलोम, का विलोम तद्भव ही होगा, तद्भव ही होगा। तत्सम का विलोम, तत्सम ही होगा, तत्सम होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि तत्सम का विलोम तद्भव में कर दिया जाए, या तद्भव का विलोम तत्सम कर दिया जाए, संज्ञा का क्रिया कर दिया जाए, क्रिया का संज्ञा कर दिया जाए, या फिर विशेषण का क्रिया विशेषण कर दिया जाए, क्रिया विशेषण का संज्ञा कर दिया जाए। ऐसे नहीं कर सकते, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण ही होगा। विशेषण ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से विशेषण का विलोम, विशेषण ही होगा। जैसे इनके उदाहरण हम देखें, तो जैसे प्राचीन है, प्राचीन शब्द ले लिया जाए, प्राचीन प्राचीन, तो प्राचीन का या तो नवीन होगा, या तो नवीन होगा, नवीन, या अर्वाचीन होगा, अर्वाचीन, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राचीन का नया लिख दिया जाए, नया, या नया का प्राचीन लिख दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा इसके संदर्भ में, ठीक है। नवीन के अर्थ में पुराना नहीं लिख सकते, नवीन के लिए हम पुराना, ठीक है, पुराना गलत हो जाएगा इसके संदर्भ में, ठीक है। प्राचीन है तो नवीन लिखना पड़ेगा, पुराना है तो नया लिखना पड़ेगा, इसके लिए ये सही है, पुराना के लिए नया सही है, नया के लिए पुराना सही है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी हम उदाहरण देखें, जैसे क्या लिया जाए, अधिक लेते हैं, अधिक अधिक, ठीक है। अधिक के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, न्यून लिखना पड़ेगा, न्यून। अब इसके लिए कम नहीं लिख सकते हम, कम, अधिक के लिए कम नहीं लिख सकते, न्यून के लिए ज्यादा नहीं लिख सकते, ज्यादा, ठीक है। जबकि ये दोनों एक दूसरे, इनके संदर्भ में तो ये गलत हैं, ठीक है, इनके संदर्भ में तो ये गलत हैं, लेकिन एक दूसरे के संदर्भ में ये सही है, एक दूसरे के संदर्भ में ये सही है। कम का ज्यादा होगा, ज्यादा का कम होगा, अधिक का न्यून होगा, न्यून का अधिक होगा। अधिक का कम नहीं हो सकता, न्यून का ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इस प्रकार से इनको आप ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं अगले नियम पर, अगला नियम कहता है हमारा, अगला नियम क्या कह रहा है हमारा, हीन, हीन के लिए वान या मान लगाकर क्या कर देते हैं, लगाकर विपरीत या विलोम कर देते हैं, विलोम शब्द बना देते हैं। आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक्स हर जगह पर नहीं मिलेंगी, ठीक है, इतनी बेहतरीन ट्रिक्स हर जगह पर नहीं मिलेंगी, बहुत मेहनत करने के बाद में हम लेके आए हैं इनको, ठीक है।
तो क्या है, जैसे क्या लिया जाए, धनवान, धनवान, तो धनवान का क्या बनेगा, धनहीन, धनहीन, ठीक है, ये बन जाएगा इसका, ठीक है। अब धनहीन का क्या बनेगा, धनवान, यानी ये इसका विलोम है तो ये इसका विलोम है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, शब्द तो कोई सा भी आ जाए इनमें से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। अगला लिया जाए जैसे श्रीहीन, श्रीहीन, तो श्रीहीन का क्या बनेगा, श्रीमान, श्रीमान, ठीक है, श्री प्लस मान, ठीक है, श्रीमान बन जाएगा। इसी प्रकार से हम और भी शब्द जैसे लें तो क्या बनेगा, जैसे ओज ले लिया जाए, ओजस्वी, ओजस्वी, ठीक है, ओजस्वी शब्द शब्द जैसे हम लेते हैं तो इसका क्या बनेगा, हीन लगाकर ओजहीन, ओजहीन, ठीक है, ओज में हीन जोड़ दिया तो क्या बन गया, ओजहीन। इसी प्रकार से तेजस्वी, तेजस्वी, तेजस्वी का क्या बनेगा, तेजहीन, तेजहीन, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी लें तो वो क्या बनेंगी, जैसे ज्ञान ले लिया जाए, ज्ञान, ज्ञानी या ज्ञानवान, ज्ञानी या ज्ञानवान, ज्ञानवान, ज्ञानवान का क्या बनेगा, ज्ञानहीन, ज्ञानहीन, ठीक है। इसी प्रकार से और भी लें तो और क्या बन सकता है, जैसे संस्कार लेते हैं, संस्कार, संस्कार, संस्कारवान, तो संस्कारवान क्या क्या बनेगा, संस्कारहीन, संस्कारहीन, ठीक है। तो ये आपका पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, इनको आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे एक ना लगाकर किसी भी शब्द में, जैसे आ लगाया था उसी प्रकार से ना लगाकर भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है, ना लगाकर भी, लगाकर भी विलोम शब्द बना सकते हैं, ठीक है। इसको तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला नियम और लेते हैं थोड़ा, ठीक है, और भी अगला नियम लेते हैं। वो अगला नियम सबसे लास्ट में क्या है कि आप ऑप्शन के हिसाब से, जैस जिस प्रकार का परीक्षा में ऑप्शन दिया है उस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके पहचानने में, जिनके विलोम शब्द पहचानने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है, तो विलोम शब्द उनके किस प्रकार से लिए जाएं तो उसे आप तुरंत ही ऑप्शन के आधार पर पहचान सकते हैं। जैसे धरती है, धरती, ठीक है, अब धरती का क्या लिया जाए, आकाश, आकाश, हो सकता है उसमें आकाश दिया ही नहीं हो तो क्या हो सकता है, पाताल, पाताल, ठीक है, आकाश या पाताल, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन के आधार पर पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से अगला शब्द लेते हैं, मूल्यवान, मूल्यवान, अब मूल्यवान के लिए हो सकता है उसमें मूल्यहीन दिया हो, मूल्यहीन, या अमूल्य, अमूल्य दिया हो, अमूल्य, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन के आधार पर पहचान सकते हैं इनको। जैसे अगला शब्द हम देखें, आधार, 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 ठीक है, अब आधार का क्या हो सकता है, निराधार हो सकता है, निराधार, और निराधार के अलावा लंब भी हो सकता है, आधार का लंब, लंब भी हो सकता है, ये एग्जामिनर की मूड की बात है वो किस प्रकार से दे दे। लंब के अलावा और भी क्या हो सकता है, कर्ण हो सकता है, कर्ण, या विकर्ण हो सकता है, विकर्ण, तो एग्जामिनर किस प्रकार का शब्द दे दे ये तो आपको उसी समय पहचानना होगा उसमें, ठीक है, कि वो क्या दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से उपयोग, उपयोग, उपयोग शब्द के
दुरुपयोग, दुरुपयोग यानी दुरुपयोग में ले लिया जाए, ठीक है, उपयोग का दुरुपयोग और दुरुपयोग का सदुपयोग, सदुपयोग ये आपको पहचानना है कि दुरुपयोग जो है ये उपयोग आ रहा है उसमें या सदुपयोग आ रहा है, दोनों ही दुरुपयोग के विपरीत हैं, ठीक है। तो ये आपको उसी समय पहचानना होगा। एक अभी हमने थोड़ी देर पहले एक शब्द लिया था, उसे अगर हम ध्यान में लें, प्राचीन, प्राचीन अभी लिया था हमने, तो प्राचीन में क्या है, अर्वाचीन भी हो सकता है, अर्वाचीन, और नवीन भी हो सकता है, नवीन, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये आपको परीक्षा में ही जो प्रश्न पत्र में ऑप्शंस दिए होते हैं उनके आधार पर आपको देखना होगा। एक आपको और मेरे ध्यान में आया, उसको देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। जैसे राजा है, राजा शब्द, राजा, अब राजा के लिए क्या विलोम माना जाए, क्या विपरीत माना जाए, रंक, रंक, ठीक है, राजा के लिए रंक, रंक माना जाए, या गरीब माना जाए, गरीब, ठीक है, मुख्य रूप से रंक ही आता है, ठीक है, रंक, या प्रजा, राजा के लिए प्रजा, या राजा के लिए रानी, ठीक है, क्या माना जाए। और राजा, राजा का एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, राजा का प्रजा, रंक, ठीक है, भिखारी, 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 तो इनमें से क्या लिया जाए, ठीक है, क्या ले सकते हैं इनका, तो ये आपको परीक्षा में ही देखना होगा उसी समय पे, जैसा एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया है उसके आधार पर आप देख सकते हैं। अब हम कुछ विशेष शब्द जो हैं उनको देखते हैं, कुछ हम छांट के लेके आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, अब तक जितने एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो हिंदी से विलोम शब्द नामक अध्याय से आए हैं उनसे हम देखते हैं कुछ विशेष शब्द। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला जो विलोम शब्द है, शब्द का विलोम देखना है, ठीक है, क्या ये, अवलंब, तो अवलंब का क्या होता है, निरालंब, 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 आलस्य का स्फूर्ति, स्फूर्ति, ठीक है, क्षणिक, तो क्षणिक को क्या कहते हैं, मानव देह क्षणिक है और परम ब्रह्म शाश्वत है, यानी परमात्मा शाश्वत है, क्षणिक का शाश्वत यानी सदैव रहने वाला शाश्वत, ठीक है। खेद का, खेद का क्या होता है, हमें यह कार्य करते हुए या आपको बताते हुए खेद हो रहा है, यानी रेलवे का जो आपने अनाउंसमेंट सुना होगा जब गाड़ी लेट होती है तो क्या कहते हैं, हमें खेद है, तो खेद मतलब दुख है, खेद का क्या होता है, प्रसन्नता, प्रसन्नता, ठीक है। आगामी का यानी आने वाला है जो, तो उसका विलोम क्या होगा, जो चला गया यानी गत, गत, ठीक है। आलसी, आलसी का क्या होगा, यानी प्रमाद वाले जो मनुष्य होते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, बड़ा आलसी है, तो आलसी का क्या होगा, उद्यमशील या उद्यमी, उद्यमी, ठीक है, यानी किसी कार्य को करते रहने वाला या निठल्ला ना बैठने वाला, ठीक है। पाश्चात्य, पाश्चात्य का क्या होगा, यानी पाश्चात्य संस्कृति से बचिए, तो वो पश्चिमी देशों वाले क्या बोलेंगे फिर हमारे देश को, पौर्वत्य, ठीक है, पूर्वी जो इलाका है उसके लिए पौर्वत्य, 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 ठीक है। अनुरक्त, आप इस कार्य में अनुरक्त हैं यानी लगे हुए हैं, और अनुरक्त का क्या होगा, विरक्त, विरक्त। रजुता, रजुता मतलब सीधापन, तो सीधापन का क्या होगा, टेढ़ापन यानी वक्रता, वक्रता। निषिद्ध, यह कार्य निषिद्ध है यानी चोरी करना निषिद्ध है, तो निषिद्ध का विलोम क्या होगा, विहित, विहित, विहित।
सभी अच्छे काम करना विहित है, विधि सम्मत है, यानी ठीक है नियमों के अनुसार। ठीक है आगे चलते हैं। सौम्य, सौम्य मतलब बड़ा मुलायम है, मुलायम। ठीक है या सुशील, सौम्य मतलब बहुत ज्यादा नाजुक। ठीक है तो इसका क्या होगा, सौम्य का बड़ा ही उग्र, उग्र। जिस प्रकार चंद्रमा की जो छाया, चंद्रमा की रोशनी बड़ी सौम्य है और सूर्य की रोशनी बड़ी ही उग्र है। शुष्क, शुष्क कहते हैं सूखा हुआ, और आर्द्र इसका उल्टा होगा। तो क्या होगा, आर्द्र मतलब गीला। ठीक है समास, समास का क्या होगा, व्यास, व्यास। सदाशय, सदाशय का क्या होगा, कदाशय, कदाशय। ठीक है कदाशय। इसका एक और हो सकता है दुराशय, दुराशय। ठीक है आगे चलते हैं। स्वकीय, स्वकीय का विलोम क्या होता है, परकीय, परकीय। स्व का पर, स्व जो शब्द है उसके लिए क्या बनता है, पर। स्व माने अपने लिए, पर माने दूसरे के लिए। ठीक है स्वकीय। हताश, हताश मतलब बहुत, वह व्यक्ति बहुत ही हताश है, निराश है। ठीक है तो हताश के लिए क्या बनेगा, आशावान। ठीक है आशावान। ठीक है आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, नौकरी जरूर मिलेगी, इसलिए आपको आशावान रहना चाहिए। शुभ्र, प्रशांत, शुभ्र का प्रशांत। स्थावर का जंगम, जंगम। निर्भीक, वो बहुत ही निर्भीक तरीके से अपनी बात को रखता है या कहता है, तो निर्भीक का क्या होगा, भयभीत। वह अपनी बात कहते हुए बड़ा ही भयभीत हो गया, भयभीत, निर्भीक का भयभीत। स्वजाति का परजाति या विजाति। ठीक है विजाति। ठीक है तो आज के इस अंक में, इस भाग में हम इतने ही लेते हैं। इससे आगे कुछ जो विशेष शब्द हैं परीक्षाओं में आए हुए विलोम शब्द, उनको आगे की कक्षा में लेंगे दूसरे भाग में। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ में, और हमारी जो अन्य कक्षाएं चल रही हैं गणित की है और आपकी रीजनिंग की है, उनको भी आप पढ़ते रहिए, लेते रहिए। प्लेलिस्ट में आपको एक एक करके सभी कक्षाएं मिल जाएंगी। ठीक है तीनों सब्जेक्ट्स की, हिंदी हम पढ़ाई रहे हैं। ठीक है हिंदी हमारे साथ में चली रही है, रीजनिंग है और गणित है, इनको आप करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।